हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आखिरकार आ ही गया है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी मीन्स ही बहुत ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी टेस्टी खाना, जो कि जैसे मेरी मम्मी को पता है। तो आज है सिक्स ऑफ सेप्टेम्बर, आज और कल मनाया जाता है जन्माष्टमी, यानी सीधा सीधी बोलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे। तो इसी दिन मुझे पता नहीं किसके घर में क्या होता है, लेकिन हमारे घर में बहुत अच्छे सेलिब्रेट होता है, जो कि करती है मेरी मम्मी। आप देख रहे हैं क्या किया अब तक बाइस हुआ है और बाकी सब बना है। पूरी बना नहीं, पूरी अभी बनाएंगे, अभी ताल का बड़ा बना है। तो मेरी मम्मी ताल के पकौड़े टाइप का कुछ बना रही है। तो हम तीन जन मिलके एक साथ ही किचन में कर रहे हैं। अभी मेरे पापा कर रहे हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरे पापा यहाँ पे ताल का पकौड़ा बना रहे हैं इतने बड़े कढ़ाई में। पापा को देख के तो बड़ा मस्त लग रहा है। हेलो पापा। मेरे पापा कान में ईयरफोन लगा के मुझे लग भी रहा है, सुनने दे रहे हैं मालूम। पापा आप ये क्या बना रहे हैं और इसको कैसे बनाते हैं? मेरी मम्मी बता रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखने में कितना टेस्टी होता है, तो खाने में भी कितना टेस्टी ही होगा। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने वो बैटर रेडी करके रखा है। ये है नारियल, ये और ये है इसी बैटर से मैदा से बनाया हुआ आटा, जिससे बनेगा पूरी टेस्टी। आप लोगों ने देखा कि हम लोग कितने धूमधाम से मना रहे जन्माष्टमी, और इधर है हमारा बर्थडे बॉय। तो चलिए आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं बर्थडे बॉय को क्या क्या मिला है। तो इधर बर्थडे बॉय बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। उनके पास एक डेरी मिल्क है, एक 5-स्टार है, एक रोज़ है, फिर उनको फल मिठाई वगैरह भी दिया गया है उनके। उसके साथ यहाँ पे ये नारू होता है, फिर ये मिठाई, उनका जितना भी सारा फेवरेट वगैरह मिठाई सब मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से दिया है, बहुत अच्छे से सजा के दिया है, इसलिए बड़े खुश नसीब आ रहे हैं। उनको न्यू ज्वेलरीज, न्यू फ्लूट, न्यू टोपी उनका, उसके बाद सब कुछ न्यू ड्रेस वगैरह पहना के उनको एकदम राजा की तरह रखा गया है। और ये है उनका एक छोटा सा दोलना, जिसको हम झूला बोलते हैं, वो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये है बर्थडे बॉय हमारे। और ये है मेरा फेवरेट, आप सबका फेवरेट पायस। तो ये मुझे मालूम नहीं किस चीज़ का पायस है, मतलब चावल का या शेवई का, लेकिन ये पायस तो बड़ा टेस्टी नज़र आ रहा है, जिसको हम खीर भी बोलते हैं हिंदी में। उधर मैं लीची बना रही हूँ, क्योंकि इस लीची से घर आप देख रहे हैं, ये जो लीची है इस लीची से बनेगा आपका ताल का पूरी, जो कि कृष्ण जी का बहुत फेवरेट है। पापा इधर ताल का